जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। कुलुसियों की पत्री तीसरा अध्याय का 17 वचन, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहां पौलुस क्या कहता है, आप जो कुछ कार्य करें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करना है। जी हां, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करना है, यीशु के नाम की महिमा के लिए करना। मेरे प्यारों, आप यदि काम करते हैं या सेवा करते हैं या परिवार में रहते हैं, आप किसी दुकान में हैं, कहीं भी है आप काम करते हैं, वहां पर भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करने के लिए वो कहता है। पौलुस इस पर बहुत ही जोर दे के कहता है, आप परमेश्वर का नाम से कहीं भी रहे। आप परिपत्नी है, आप पति है, या किसी भी कार्य करते हैं, मालिक के नीचे है। बाइबल में देखिए पौलुस एक शब्द को बार बार कहता है, फिलिपियों दूसरा अध्याय के 22 वचन में और पहला तीमोथियों के तीसरा अध्याय के 10 वचन में कहता है। एक शब्द को प्रयोग करता है, सेवा नामक शब्द को प्रयोग करता है। मेरे प्यारे, आप जो कुछ कार्य करें आप सेवा की भावना से करना है। यानी सेवा का शब्द है परमेश्वर के लिए जो कार्य करते हैं उसी के लिए वो शब्द कहते हैं। इसका मतलब जो कुछ आप कार्य करते हैं परमेश्वर की नाम के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, इस मतलब से करना है। आप संसारिक दुनिया के लिए कार्य करते हैं, किसी मालिक के नीचे आप सेवा करते हैं, किसी और काम कर रहे हैं, तो इस भावना से आपको कार्य करना है। आपको परमेश्वर देख रहे हैं, आपको देखिएगा परमेश्वर हमारे सारे कार्य को देख रहे हैं, इसी भावना से हमें करने के लिए पौलुस वहां पर कहता है। देखिए दुनिया के मालिक और परमेश्वर का जो ऊपर वाला मालिक, दोनों को फर्क बहुत है, दोनों काम लेते हैं। दुनिया का मालिक हमसे ज्यादा कटवाते हैं, ज्यादा परिश्रम करवाते हैं, ज्यादा काम करवाते हैं, ये सारे कार्य करते हैं, लेकिन हमारे दुखों को वो देखेगा नहीं, हमारे परेशानी को देखेगा नहीं, हमारे जरूरतों को वो देखेगा नहीं, हमारे दुर्बलता को वो देखेगा नहीं। उनको उनके काम से मतलब है, उनको लाभ चाहिए, उनको सफलता चाहिए, बस उसके बाद वो हमें सुधि या ख्याल करने वाला नहीं है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है, हम जो कार्य करते हैं उसके लिए जरूर वो प्रतिफल देने वाला है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे प्यार, आज मैं कहता हूँ परमेश्वर के लिए जो विश्वास योग्य कार्य करते हैं, दुनिया का काम या आत्मिक का काम, दोनों काम करने वाले के लिए परमेश्वर जरूर अपने प्रतिफल देने वाला, कभी भी किसी को वो काली आत नहीं जाने देंगे। हालेलुया, हालेलुया।